Assalamualaikum, welcome back my new video. अभी बनाते बनाते मेरी रिंग लाइट फ़ौरन नीचे हो गई तो मैं डर गया. मैंने कहा कुछ उल्टा सीधा तो नहीं हो गया, तो कुछ भी नहीं हुआ. तो ये है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत ड्रेस जो कि मैंने खुद डिज़ाइन किया है और ये जा रहा है इस्लामाबाद. ईद पे जो है बनवाया है, तो ये ऑर्डर था. तो बहुत ही खूबसूरत ये ड्रेस तैयार हुआ है जो बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में. मैं आपको इसकी डिटेल्स भी देता हूँ जिससे आपको आसानी हो जाएगी, आप ख़ुद भी बना सकते हैं और आप ख़ुद डिज़ाइन कर सकते हैं. और इसकी मैं आपको और भी वीडियोस शेयर करूँगा जब ये पहन ले गया और ये सब कुछ मैं शॉर्ट्स में शेयर करूँगा, ठीक है. तो इसका जो नया है, कुछ हमने हैदराबादी डिज़ाइन बनाया. पहले मैं आपको इसकी फुल लुक दिखाता हूँ, मैं आपको इसकी बैक भी दिखा सकता हूँ, तो मैं वो भी आपको शॉर्ट ज़रूर दिखाऊँगा जो कि थोड़ी सी कम लाइट में आ रही है. इसकी डोरियों टसल भी मैंने खुद बनाया, तो मैं उस पर भी डिटेल पे बात करता हूँ अभी आपसे. तो मैंने इसका जो नेक है कुछ इस टाइप का बनाया जो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, हैदराबादी डिज़ाइन. और ये कपड़ा जो है ये टिशू है, टिशू के ऊपर जो है बहुत ही कोई प्यारी एम्ब्रॉयडरी भी है ये, जो दूर से देखने में ऐसा लग रहा है जैसे हाथ का काम हुआ हुआ कटदाने का. आजकल जो कपड़ा चल रहा है ये बहुत अच्छा छड़ियाँ छड़ियों वाला डिज़ाइन है. तो जब ये मैं इस्लामाबाद गया था तो मैं वहीं से ही ले आया था कपड़ा, तो फिर ये अभी मुझे बना के देना था. तो ये देखें आप, इसके जो बटन है ये बहुत ही, यहाँ पे भी मिल जाएगा, आप जहाँ पे भी रहते हो ये कुछ ज़्यादा ही फैशन में आया हुआ है तो आपको हर जगह से ही मिल जाएगा. अच्छा, तो इसके ऊपर जो मैंने बटन लगाए हैं ये मुझे रेडीमेड बने बनाए मिल गए थे सिल्क के. आप बनवा भी सकते हैं जो आपका कपड़ा हो फैब्रिक को नहीं मिले तो. और लुपियों वाला गला बनाया, और इसके साथ मैंने हैदराबादी नेक बनाया है. आप इसके अंदर कोई मोटिव्स भी लगा सकते हैं, आजकल इसमें फूल चल लेते हैं, मगर बटन वाला जो आइडिया है ये बहुत अच्छा है. और इसका गला जो है मैंने ज़्यादा बड़ा नहीं रखा है क्योंकि टीनएजर्स जो बच्चियाँ होती हैं ये उनका ड्रेस है, ये बड़ी लड़की का नहीं है, तो बड़ा गला जो है वो कैरी नहीं कर पाती. तो इसका नेक जो मैंने छोटा रखा है जो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, कॉलर टाइप में नहीं कॉलर कटिंग में जैसे छोटा नेक होता है नेक पे बिल्कुल फिक्स वाले वो है. अच्छा, जो इसको मैंने नीचे फ्लेयर रखा है वो अम्ब्रेला रखा है, और उसके अंदर जो मैंने अस्तर लगाया है मैं आपको दिखा सकता हूँ, वो भी है इसके साथ जो ये हमने सिल्क का फैब्रिक यूज़ करा है जो बहुत अच्छा लग रहा है ग्रे कलर का. और इसके नीचे मैंने तार वाली भी करवाई है, आप भी करवा सकते हैं, आप नहीं भी करवाएं तो भी चलेगा, आप करवा लें तो अच्छा लगेगा ज़्यादा. लड़कियों के ऊपर इस टाइप की चीज़ें अच्छी लगती हैं, थोड़ी सी कुछ चीज़ करने से जान आ जाती है उसके ऊपर. नीचे से मैं आपको फ्लेयर दिखाऊंगा बाद में. और अच्छा, इसके स्लीव्स के ऊपर जो है मैंने ये बेल लगाई है बहुत ही अच्छी सी. ये ड्रेस जो है ये मेरी बहुत ही अच्छी खाला की बेटी का है, जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा इंसिस्ट किया था कि बहुत अच्छा ड्रेस होना चाहिए मेरी बेटी का, बहुत ज़्यादा प्यारा होना चाहिए. तो इसकी वजह से हमने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत करी है. अब देखते हैं कि उनका सपना कुछ ऐसा लग रहा है, जब भी उनको पार्सल पहुँच जाएगा तो मैं उनको कहूँगा कि वो उसकी भी वीडियो बनाएं कि उनको कैसा लगा, और उनके एक्सप्रेशन भी उसी वीडियो में बताएंगी, तो मैं आपसे लाजमी शेयर करूँगा. इसके पीछे मैंने इसके टेसल बनाए जो बहुत ही खूबसूरत, ये उनकी डिमांड बने क्योंकि जो मैंने जिसके लिए ड्रेस बनाया उनकी बर्थडे थी, तो ये उसका गिफ्ट था जो मैंने खुद बनाया. आप अलग लेके भी लगा सकते हैं, इसकी वीडियो भी मैं आपको शेयर करी है तो आप लोग बना सकते हैं. ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, मार्केट में तो आपको ये कहीं मिलेंगे ही नहीं, जैसे आप खुद बना सकते हैं. तो आप अपने कपड़ों पर इस टाइप की डिज़ाइनिंग कर सकते हैं जो खुद स्टिच करती हैं गर्ल्स या वेमेंस जो भी हैं, तो फिर आप ये बना सकते हैं. बहुत सिंपल है, बहुत जल्दी बन गए थे, मगर देखने में ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं. और इसकी डोरी मैंने बनाई है, जैसे हम पतली पट्टी बनाते हैं लुपियाँ वगैरह बनाते हैं, तो उसके ऊपर ये डोरी से मैंने वर्क किया है. रेशम की डोरी बहुत पुरानी हो चुकी है, तो ऐसी इस टाइप की डोरी मेरे अपनी सिस्टर है जो जिसका डिज़ाइन हम ईद पर करेंगे ड्रेस का, जो एक ही डिज़ाइनर ड्रेस होता है जो बहुत खूबसूरत भी बनता है. उसकी डोरी जो है मैं आपके साथ शेयर करूँगा लाजमी, उसका भी वो पूरा ट्यूटोरियल जो है वो भी और पूरी वीडियो भी, तो वो भी बहुत अच्छी वीडियो. तो आप लोग ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर दें, क्योंकि आपको फ्यूचर में आने वाली वीडियोज मिलती रहेंगी, इससे आप बहुत कुछ सीखते रहेंगे, बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी और बहुत कुछ. तो उम्मीद है आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया और कमेंट लाजमी करें इस वीडियो पे, आपको कैसी लगी, क्या चीज़ इसमें अच्छी लगी, इसकी डोरी वगैरह जो भी हमने लगाया टेसल, तो ये बहुत अच्छी लग रही है. तो आप ऐसे बना सकते हैं नॉर्मली, इतनी कॉस्ट पे भी नहीं गई है, बहुत ज़्यादा ईजिली बन गई है. तो इस डिटेल की जब ये मैं आपको पार्सल तक पहुँच जाएगा तो मैं उनके भी आपके साथ वो रिव्यूज़ शेयर करूँगा अपने चैनल पर ही. तो आप सब्सक्राइब कर दो भाई, कर दो. सब्सक्राइब करने के बाद तो फिर मैं आपको बताऊँगा इस पूरी ड्रेस की डिटेल भी बता दूँगा कि इसमें कितना कॉस्ट आई है और कैसा बनाई है, बहुत ही खूबसूरत. तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, जब तक के लिए. अच्छा, इसमें एक और बात भी हुई है कि ये जो ड्रेस है ये लास्ट, अभी क्या कहते हैं, आज 5 डेट है, नहीं लास्ट डेट हफ्ता है, आज जो है पता नहीं कौन सा रोज़ है, ईद में एक हफ्ता है, तो इससे पहले बाहर की जितनी भी होती है आउट ऑफ सिटी सारी जो है वो डिलीवरियाँ बंद हो जाती हैं, इसलिए मुझे रात के 2 बजे शूट करनी पड़ी और मैं अभी जाके देकर आ जाऊँगा और ये चला जाएगा पार्सल. तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और वीडियो आपको पसंद आई होगी चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें. बाय बाय.